तीन श्लोक हम लोग पढ़ चुके थे। इन तीन श्लोकों की पहले टीका भी देख लो। इन तीन श्लोकों की टीका अगले पन्ने में है, आठवें श्लोक के बाद पहला श्लोक की व्याख्या लिख रहे हैं। संक्षेप में बोलेंगे पहला श्लोक का, दूसरे का विस्तार, तीसरे के विस्तार से बोलेंगे। न्यायमालाया आदौ स्वकीय ग्रंथत्व द्योतनाय स्व मुद्रा रूपम अनेकार्थ गर्भम देवता नमस्कार प्रतिपादकम श्लोक पठति वागीशाद्या इति। न्यायमाला जो जमीनी न्यायमाला है, इस ग्रंथ के आदि में स्वकीय ग्रंथत्व द्योतनाय, ये अपना ग्रंथ ही है, मेरे द्वारा बनाया गया और मेरे द्वारा इसकी टीका भी लिखा गया। इस बात को द्योतन करने के लिए पहला का जो आठ श्लोक है मंगलाचरण। स्व मुद्रा रूपम अनेकार्थ गर्भम, ये विशेष कैसे हैं, अपने अपनी विशिष्ट अर्थावबोधक। स्व मुद्रा से तात्पर्य क्या है, स्वस्मिन या मुद्रा, मैंने स्व में विद्यमान जो मुद्रा का अर्थ विशिष्टार्थबोधकत्वम, विशिष्टार्थ ज्ञापकत्वम, मुद्रात्वम, जितने मुद्रा होते हैं लोक में भी क्या है, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, अनेक मुद्रा कहा जाता है, ये भी विशिष्ट अर्थ का बोधक है। वो आह्वानी मुद्रा कर देना, आह्वान मंत्र बोलो ना बोलो, उंगली हाथ से दिखा दिया आह्वान हो जाएगा, विशिष्ट अर्थ बोधक कर रहे हैं। इसे स्व मुद्रा मैंने स्व के द्वारा ज्ञापित विशिष्टार्थ बोधकत्व, हमने जो है अनेकार्थ गर्भित श्लोकों को भी यहाँ प्रयोग किया है। इन श्लोकों के एक ही सीधा साधा अर्थ नहीं लेंगे आप, वाचार्थ मात्र नहीं, अनेकार्थ। जैसे दूसरे श्लोक में आपको बताया था मैंने, और यहाँ एक तो राजा का स्तुति है, उसके सकल राज जो धर्म है, राजा का जो गुण है जो होना चाहिए वो सब बता रहे हैं, और साथ साथ बारह अध्याय के विषय को भी बता रहे, द्वर तक हो गया। इस तरह से अनेकार्थ गर्भम देवता नमस्कार प्रतिपादक पहला श्लोक वा पाठ हुआ वागीशाद्या इति। युक्तिम मानवती इत्यादि वगैरह इष्ट देवता नमस्कृत्य दूसरे श्लोक की व्याख्या। चिकित्सितार्थ परिपालनाय पालके स्वामिनी विद्यमाने महिमानम अनुस्मारयति। चिकित्सितार्थ परिपालन, चिकित्सितार्थ क्या है, मेरा ग्रंथ जो मैं लिखा हूँ उसका समाज प्रचार प्रसार होवे, इसका मुद्रण करें, खर्चा करें, कौन करेगा, गरीब ब्राह्मण लिख तो सकता है लेकिन छपा को कोई दूसरे ना जो पैसे वाले, राजा आदि लोग पहले करते थे ये काम, राजाओं का काम था मंदिर निर्माण करना, राजाओं का काम था ग्रंथों को छपाना, विद्वत सभा बुलाते थे, अपने अपने ग्रंथ रखो, किसने क्या बनाया, क्या टीका लिखा, क्या किया, उस पर विचार विमर्श होते थे, यह टीका सही लिखा है, खंडन मंडन करो, सबके एक प्रति बना के दे दिया जाता था, शास्त्र सभा बुलाया जाता था, फिर कहते नहीं हाँ सही है, तो राजा उसको फिर छपा देता था। छपाने का मतलब क्या, लोगों को लगा रखा था लिखने के लिए, पहले जाओ जो तारपत्र पे लिखा जाता था, सैकड़ों प्रति तारपत्र पे ही लिखते थे, फिर धीरे धीरे आजकल लोग मशीनें आ गई छापने के लिए, बात अलग है। और आजकल कोई किसी से पूछता भी नहीं है, कोई भी कुछ भी लिखता है, कुछ भी छाप के देता है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू प्रेस हो गया है, पहले से नहीं था, सब कथा कहानी चाहिए लोगों को। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी पद्धति शुरू से नहीं रही है, जब हमने भी पुस्तक लिखा शुरू में योग के ऊपर लिखा था, सर्वसंसार लिखा, मैंने कई विद्वानों के सब पास भेजा, जब हमने लिखा होगा देखिए आप लोग पढ़िए, कुछ सुधार सुधार बता दीजिए, बताया लोगों ने कुछ कुछ, हमने सुधार जोड़ दिया। और कई ग्रंथों को पंडितों के पास भेज, कर्मकांड गए विद्वानों के पास, फायदा नहीं तो कर्मकांड के पास भेजा, पंडितों के पास, उत्तर में भी दक्षिण में भी देख लो, जब हम पद्धति छाप रहे हैं कहीं गलत हो तो बताओ, तो सब सही था लगभग लगभग, जहाँ कहीं उत्तर दक्षिण का कई बार लड़ाई हो जाती नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ नहीं होता, फिर हमें डालना पड़ा ब्रैकेट में, ये शुक्ल चतुर्वेदी के अनुसार है, कृष्ण चतुर्वेदी के अनुसार है, लिख दिया और दोनों छाप दिया, इसीलिए लड़ाई खत्म। नहीं तो कहेगा हमारे अनुसार नहीं छपी, भाई तुम्हारे अनुसार छप, विकल्प रख दिया है, जिसको जो विकल्प से चलना है चलो। इस तरह समन्वय पूर्वक हम लोग ग्रंथों को छपाने की कोशिश की शुरू से ही, और अंत में जो छप पाते थे दंडेश्वरी, उसको भी ऐसी
शंकराचार्यों के पास भेजा हमने, श्रृंगेरी भेजा उसको, जगन्नाथपुरी भेजा, तो वो लोगों ने पढ़ा उसको, जगन्नाथपुरी वाले जितनी प्रशंसा हो खुश हो गए, उन्हें भूमिकाएँ लिख दी 10 पन्ने की। श्रृंगेरी वाले कहा कि वो जो लिख दिए हैं अब हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं, हमारा तो आपका आप पर आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया इसको छपाइए। यदि दंड ऐश्वरी विधान, जिसमें दंड, पिंड, ब्रह्मांड, श्रीयंत्र और प्रणव की एकता का प्रतिपादन किया शंकराचार्य जी ने। दुर्लभ ग्रंथ था, बहुत श्लोक उसमें है, 300 से पर श्लोक गायब भी हो गए थे, जहाँ से भी मिला था ग्रंथ बता रहे सब वो दिमाग खा गए थे, और उसमें से 100 से पर श्लोक अंतप्रेरणा से हमने पूरा भी किया, लिख भी दिया था, जो विद्वानों को भेजा था, तो ये श्लोक अंतप्रेरणा से यहाँ बन गया है, यदि गलत हो तो और प्रकरण के विरुद्ध हो, प्रसंग विरुद्ध इत्यादि हो तो आप विद्वानों हमें सूचित करें। ये शंकराचार्य खुद भी पढ़े बोलते, जब उन्होंने दिया पंडितों को, वो जब पढ़े उन्होंने कहा स्वामी जी बहुत ही सुंदर कार्य किया हुआ है, आप भी देख लो, खुद देखे वो, तो 3 दिन में पूरा पढ़ दिया उन्होंने, कह रहे थे 3 दिन में पूरा पढ़ा, दिन रात लगा करके, इतना आनंद आया, इतना खुश हो गया मुझे, ये ग्रंथ आना चाहिए था इस रूप में, वो आ गया। तो फिर उन्होंने जितने श्लोक बनाए थे विशेष उस पर ध्यान दिया, अपने ओर से बना था, उस सर्वगुरु ने अलग से टिक मार्क करा के भेज दिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चलो निर्दोष हो गया तो और अच्छा हो गया, बड़ों का आशीर्वाद मिल गया और ग्रंथ निर्दोष प्रिंट हो गया, छप दिया। इसलिए पहले जमाने यही था, राजा के सामने रख देते थे, राजा विद्वत सभा बुलाते थे, अब आज के जमाने में है ही नहीं तो क्या करें, खुद विद्वान को भेजे, अपने आप देखेंगे परखेंगे उसको। अभी जैसे हमने टिप्पण बनाए गीता के संक्रांति के ऊपर, प्रथम अध्याय दूसरा अध्याय पूरा हुआ, मैंने 2-3 महात्म विद्वानों को भेज दिया, आप लोग देख लीजिए, वो लोग भी पढ़ाते गीता वगैरह, तो देखिए कोई कमी हो तो बताइए, उसको सुधार किया जाए छापने से पहले, अभी तक किसी के जवाब नहीं आया है, 10 दिन हो गया भेजे हुए, देखते हैं क्या प्रक्रिया। यही है, विद्वत सभा में जानी चाहिए, विद्वानों के समक्ष जाना चाहिए, ये नहीं अपने कुछ भी लिख दो और छाप दो, विवाद खड़ा कर दो दुनिया भर, ये अनुचित है। यह इष्ट देवता नमस्कृत चिकित्सितार्थ परिपालनाय, इस पर बोल रहे थे, चिकित्सित जो अर्थ क्या था, ये जो ग्रंथ है चिकित्सित है, इसके अर्थ क्या, मुख्य रूपेण प्रकाशन रूप जो प्रयोजन है उसका परिपालन करने के लिए राजा के समक्ष जाना पड़ता है, पालक के स्वामिनी, पालक कौन है, राजा वही स्वामी है, उसमें विद्यमान जो महिमानम अनुस्मारयति, उसमें विद्यमान जो महिमा है राजा के, उचित जो गुण है वो सारे गुण राजा के गुण उसके अंदर थे, कौन से गुण थे प्रमुख, जो नीति शास्त्रों में धर्म शास्त्रों में वर्णित है राजा के गुण, वो सब उसमें थे, ये प्रतिपान करने के लिए यह श्लोक दूसरे नंबर में है। युक्तिम मानवती मिति, अत्र चिकित्सित धर्मशास्त्रे वर्तमानानां द्वादशानां अध्यायानां ये प्रतिपाद्यार्था ये च नीतिशास्त्रोक्ता राजधर्म ते सर्वेप्यस्मिन् भूपतौ उपलभ्यन्ते। इस एक श्लोक में द्व्यर्थक है, कैसे द्व्यर्थक है, इस श्लोक में मैंने क्या किया है, कहते हैं चिकित्सित धर्मशास्त्र में वर्तमान जो 12 अध्याय, उन 12 अध्याय में जो प्रतिपाद्य अर्थ है उसको भी श्लोक में मैंने गूंथ दिया है, और साथ साथ हमने क्या किया, ये च नीति शास्त्रोक्ता राजधर्मा, नीति शास्त्रों में जो उक्त राजधर्म है साम दान दंड भेद से शासन करना चाहिए, उन नियमों को कितने प्रकार से अच्छी तरीके से राजा पालन कर रहा था, इन राजधर्मों को भी ते सर्वे अप्यस्मिन भूपतो, इस राजा में विद्यमान था उपलभ्यंत है, इस बात को बताने के लिए दोनों तरफ हम श्लोक को लिख दिए हैं। उसे पहला पक्ष नीति पक्ष लेते हैं, अंतिम 2 पंक्ति ग्रंथ पक्ष है, इष्टिका में अंतिम 2 ही पंक्ति में ग्रंथ को संकेत कर दे रहे ग्रंथ पक्ष को, क्योंकि आगे विस्तार ग्रंथ पढ़ना ही है आपने, यहाँ विस्तार लिखने की जरूरत नहीं समझा, पदार सामान्य बता दिए,
लेकिन नीति पक्ष के वे विस्तारपण कथन कर रहे हैं। नीति पक्षे घटाइएगा युक्ति मानवतीम, युक्ति मने क्या है युक्ति, मने योग संधि। राजा का सबसे पहला काम है कोई विरोध में शत्रु अपना दूत से खबर भेज दिया मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ, कोशिश करो संधि से काम निपटा दो। वही राजा कुशल है संधि करने में समर्थ हो जाए। असंधि संदेश लेके जाने पर नहीं मानेगा तब युद्ध तो है ही अंत में, लेकिन संधि संदेश लेकर ही तो गया था कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास। हम यह क्यों लड़ना पिटना, पूरा राज्य तू रख ले इनको और कुछ नहीं आधा दे दो, पहले बोला आधा राज्य दो, नहीं माना खरे चलो पांच गांव दे दो, और सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तब और कोई रास्ता नहीं, जब संधि विफल हुआ तब युद्ध ही एकमात्र रास्ता रह गया। वैसे यहां पर संधि योगा युक्ति मने योगा मने संधि, साच युक्ति मानवती वा युक्ति, यदि संधि से युद्ध को टाल दिया आपने वह आपका सम्मान को बढ़ा देता है। दोनों राजाओं में परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ जाता है। माना मने सत्कार चतुर्षु साम भेद दान दंडेशु उपायेशु प्रथमा उपाय, सत्कार पड़ेगा मानवती हो जाएगा और राजा का युक्ति क्योंकि जो है सत्कार बढ़ाने वाला बनेगा वह संधि, जो कि साम भेद दान दंड इन चार उपाय में से साम नामक पहले उपाय का हिस्सा है संधि करना। पहले समझाया जाएगा बुद्धि से समझाओ, ये हमारी सेना तुम्हारे से कम नहीं, बे मतलब भिड़ो मत, बेकार नुकसान तुम्हारा होगा हमारा भी नुकसान होगा अनावश्यक, जनता पर कर का बोझ बढ़ेगा हर युद्ध में, नया कर चालू हो जाता है, कारगिल टैक्स चला था बहुत साल चला बेमतलब का वो, अरे हो गया युद्ध खत्म हो गया कहानी खत्म हो गई, दो चार साल बटोर लिया टैक्स, दस साल तक चलता रहा। मनमोहन सिंह ने इसको हटाया, युद्ध का मतलब ये होता है जनता पर बोझ बढ़ना, वसूल करेंगे ना जितना सेना के साथ खर्चा हो रहा है, बर्बादी हो रही है, गोला बारूद वेस्ट हो रहा है, कहीं मर रहे हैं, उनके जो है परिवार को पाँच पाँच दस दस लाख देना पड़ता है, कहाँ से लाएगा सरकार, जनता से लेगी, इसे उचित नहीं। जनता भी खुश रहता है संधि से काम निपट गया दो युद्ध बंद हो गया तो बहुत अच्छा मानता है जनता। अब यूक्रेन युद्ध हो रहा है, कहाँ का युद्ध हो रहे हैं, लोग भागना पड़ रहा है, घर बर्बाद हो रहे हैं, कितना नुकसान है, यदि संधि हो जाए अति उत्तम, उससे दोनों का सम्मान आगे बढ़ जाता है। इसलिए इसमें प्रथम उपाय वो था। और वैरिणी बुद्धि भेदो द्वितीय उपाय, वैरी में बुद्धि भेद खड़ा करो, उन्हें फूट डाल दो, वो राजा जिन अन्य राजाओं के सहयोग से आया है उन अन्य राजाओं को उसे तोड़ दो तो क्या होगा, फूट डालो उनमें। पहले जमाने से ही परंपराएं चली आई हुई भेद डालना, फूट डाल के राज करो, उसको अंग्रेजों ने कहा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो भेद है वो दूसरा उपाय है। तीसरा एताभ्याम दान दंडोपि उपलक्षित है, इन्हीं के द्वारा दान और दंड भी उपलक्षित होता है, कुछ दे दो वो बड़ा सेना उसकी बड़ा मान लो है तो क्या करे, कुछ सोना चांदी उसको दे दो, पैसा वैसा दे दो और युद्ध को खत्म करो, युद्ध को होने मत दो दान दे करके। और तीसरा अंतिम चौथा कौन है, नहीं मानेगा तब भी पैसा ले लो कर शांत में नहीं रहेगा तो दंड दो, युद्ध करो, मार काट होगी, ये तरीका है। ये चारों उपायों में कुशल थे कौन, राजा भूखंडपति। ये तीर चतुर्वीर उपाय विशेषणार्थम धनम भजति प्राप्नोति इति अर्थम, अर्थम धनम अपर मानवती श्लोक्यादा युक्तिर मानवतीम विदन स्थिर धृतिर, वहाँ आगे था अर्थ प्राप्ति, उसको आप तो का प्राप्त कर लेता है वो आप तेषु नेहा अवशिष्टम स्वराज्यम धनम भजति प्राप्नोति एतावता शत्रु क्षय कथिता, इस इतने हिस्से से उसके कोई शत्रु ही नहीं थे ये बात कथन किया, ऐसा राजा था जिसका कोई शत्रु ही नहीं थे।
अवशिष्टेन स्वराज्य प्रतिपालन प्रकार प्रतिपाद्यते। और अवशिष्ट धनादि के द्वारा वह राजा अपने स्वराज्य प्रतिपालन करता था, यह प्रतिपादन किया गया। अमात्य आगे है विशेषार्थ भाग, क्या हो गया ना, स्थिर धृतिर भेदे विशेषार्थ भाग, भेद के माध्यम से भी विशेषार्थ को प्राप्त कर लेते थे वो। पूर्वा ये पहला पाद समाप्त हुआ, दूसरे पाद में जा रहे हैं। दूसरे पाद क्या है, आप तो क्रमकृत प्रयुक्ति निपुण श्लाघ्याति देशोवती ही, वह दूसरे पाद में ले रहे हैं। आप तो तात्पर्य आप तो कौन है, अमात्यादि मंत्री आदि, उनको आप तो बोलेंगे आप्तेषु अमात्य प्रवृत्तिषु पुरुषेषु अयम ईदृशस्य व्यापार से योग्यो नान्यस्य इत्यवहापो कुशलः। यह व्यक्ति इस कार्य के लिए कुशल है, वो व्यक्ति उस कार्य के लिए कुशल है, कौन किस कार्य में कुशल है उसी हिसाब से उनको काम बांटते थे। इतनी बुद्धिमान दे बुक्कण्णा जी, यह नहीं कि आजकल जान पढ़ को दे दिया वित्त मंत्री बना दो, जिसको वित्त का पता ही नहीं इकोनॉमिक्स क्या होती है, जिसने कभी पिस्तौल नहीं उठाया उसको बना दे रक्षा मंत्री, जिसका दसवीं फेल वो हो गया शिक्षा मंत्री, ऐसे उठ पटांग गया। पिछले 10 साल से आप देख ही रहे हैं, तो ये अनुचित है, राजा का लक्षण ये नहीं है। राजा व्यक्ति की योग्यता देख करके उसकी कुशलता पूर्वक व्यवस्था विभाग करनी चाहिए, कौन किसमें सक्षम है। तो ये का इसलिए कहते हैं आप देशो मात्य प्रवृत्तिशो पुरुषेशो अयम ईदृश से व्यापार से योग्यो, ये अमुक प्रकार के क्रियाकलाप करने योग्य है ऐसे जान करके नान्यस्य अन्य काम के लायक नहीं है इत्यं उहा पोह कुशलः। उसको ने कहा था कि जो है आप तो क्रमकृत प्रयुक्ति, उसके लिए कह रहे आगे राजसभायां एते तपस्विना पूज्या विप्रह दक्षिण भागे उपवेशनिया, क्रम कर रहे हैं, क्रम परक पूर्वक सभा को व्यवस्थित करने की क्षमता भी उनके अंदर दी, कौन किस सभा में कौन कहाँ बैठेगा, ब्राह्मण कहाँ बैठेंगे, विद्वान लोग महात्मा आ जाए उन कहाँ बैठाएंगे सभा में, नौकर चाकर वे कहाँ रहेंगे, आम जनता किस दिशा में बैठेगी, वह सारी व्यवस्था करने में अत्यंत कुशल थे। उसको कहते पदार्थ क्रमकृत राजसभायां एते तपस्विनः, ये तपस्वी हैं, ये पूज्या विप्राह, ये सब कहाँ बैठेंगे, दक्षिण भागे उपवेशनिया, ये तेच अरे हमारे कौन है भृत्या नौकर जा करें वाम भागे इति क्रमम करोति, ऐसा क्रम पूर्वक करना कर्म कृत, ये शब्द का अर्थ हो गया। और तत्त ग्रामेशु अधिकृतान पुरुषान उचित बुद्धि प्रदानेन प्रयोक्तु निपुणः, उसके बाद प्रयुक्ति आया था ना उसके शब्द, एक एक शब्द को लेकर बोल रहे हैं नित्य आप तो क्रमकृत प्रयुक्ति निपुणः, प्रयुक्ति निपुण के लिए बोल दिया है कि नहीं, किसको डीएम बनाना है, एसडीएम बनाना है, तहसीलदार बनाना है, आज की भाषा में कैसे पद होते कि नहीं होते, किसको प्रधान आचार्य बनाना है, किसी विभाग आचार्य बनाना है, कोई उपाचार्य है, असिस्टेंट लेक्चरर, लेक्चरर प्रिंसिपल, ये सब होते हैं विभाग, ये सबको भी योग्यता के अनुसार सम्यक पर प्रयोग करने में वो निपुण थे, प्रयुक्ति करने में निपुण थे। ग्रामेशु अधिकृतान, ग्रामेशु वही तहसीलदार आदि जैसे अधिकृतान पुरुषान उचित बुद्धि प्रदान, उनको भी उचित निर्देश देते तथा आपको ये काम करना है ऐसे ऐसे काम करना है, निर्देश करने देने की भी सामर्थ्य थी, प्रधान है ना प्रयोक्तु प्रयोक्तुम निपुणः। समुद्र पर्यंतत्वेन अति बहुलस्य देशस्य उन्नति समस्त भोग्य वस्तु सम्मति ही, उसे आगे था उसे आगे क्या लिखा था, कारवान गत सदा बाद
स्वतंत्रेश्वरे उस पर बोल रहे हैं। समुद्र पर्यंतत्वेन अति बहुलस्य जो है देशस्य, समुद्र पर्यंत विशाल था उनका देश, समुद्र तट तक था। कर्नाटक के हुबली प्रदेश पड़ता है ना ये पंपा महासरोवर, वहां से समुद्र तक, नीचे भी समुद्र था, पूरा केरल वेल सब उनके हाथ में थी, बहुत विशाल राज्य था उनका। इसीलिए उसमें भी देशस्य उन्नति ही, समस्त भोग्य वस्तु संपत्ति ही, उस देश की उन्नति देखते थे कहाँ क्या जरूरत है, उसके अनुसार जो राज्य का कोष है उसको उसी हिसाब से बांटते थे। यहाँ राजा ऐसे थे जो जनता को देखते थे किस क्षेत्र की जनता को क्या जरूरत है, उसी अनुसार उन जितनी धन आवश्यकता है उस विभागों को दक्षिणा देते थे। राज्य के कोष को, संपत्ति को सम्यक प्रकार से ग्रामालय में जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार समस्त भोग्य वस्तुओं का भी वहाँ पर पहुँचाना, ये भी उनका कर्तव्य था, उसमें भी अत्यंत कुशल थे। साच परराष्ट्र निवास भी सकल प्राणी भी श्लाघ्य थे, केवल उनके अपने देश की जनता ही उनकी प्रशंसा नहीं करते थे, आज पड़ के अन्य देश की जो लोग थे उनके भी राजा और वहाँ की जनता भी इस राजा का प्रशंसा क्या करते थे, विदेश के लोग आए वो भी प्रशंसा करते थे। इसके बाद भी जो कृष्णदेवराय नाम का राजा हुआ वहाँ, पता थे उसके समय में सोने के खंभे थे दीपक जलाने के लिए सड़कों पे, तानसेन जो आया था चाइना से उसने लिखा है, विदेश के लोग भी यहाँ के राजाओं का कुशल शासन और सम्यक प्रकार जनता भी खुशी से पैसा सोना चांदी देती थी राजा को, और आजकल कोई देना नहीं चाहता क्योंकि सब जानते हैं जितने नेता हैं सब चोर हैं भ्रष्टाचार है, जब टैक्स देना ही नहीं चाहते, टैक्स बचाने के रास्ता निकालते हर आदमी, टैक्स देना ना पड़े कर ना देना पड़े, और पहले राजा को खुशी से लोग देते थे जा करके कर आप लीजिए और राज्य को और बढ़िया से संचालन कीजिए, जहाँ जरूरतमंदों को पहुँचाइए चीज़ों को, पूरे राज्य की हर जनता कुशल रहे खुश रहे, ये लोगों के अंदर भाव बनती थी, जैसा राजा वैसा प्रजा था, राजा तो था प्रजा, राजा चोर तो प्रजा भी चोर है, कर चोरी करेगा और क्या करेगा, टैक्स चोरी। यद्यपि भी कलयुग में ही रहे राजा, ये राजा कलयुग के ही राजाओं का वर्णन है, आज से लगभग 450 साल पहले की कहानी है ये, ज़्यादा लंबा की नहीं। इसलिए कहते देखो राजा ऐसे थे कि आस पड़ोस के राजा के निवासी भी सगल प्राणी भी सगल लोगों के द्वारा श्लाघ्य थे, उनकी प्रशंसा किया जाता था। इदम कर्तव्य इदम न इतम कार्य कार्य विषय स्फूर्ति ही, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, कार्य कार्य विषय को सद्य स्फूर्ति से तुरंत निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर थी। तस्याम अधिकारो, इसलिए अधिकार अध्याय नहीं यहाँ किस अधिकार अध्याय, उस अधिकार अध्याय को लगे स्फूर्ति अधिकारो अस्य राज्यो नित्य, इस राज्य के अंदर ये सारी क्षमताएं नित्य ही विद्यमान थे। सर्वत्र अप्रतिहत बुद्धिता, क्योंकि किसी भी विषय में उसकी बुद्धि की कुशलता ऐसी पहनी थी वह अप्रतिहत था, सर खुजलाने का अवसर ही नहीं मिला, क्या करूँ ना करूँ क्या होगा सवाल ही नहीं उनके सामने, तुरंत निर्णय तुरंत निष्पादन कर देना। गतो मने विनिवारितः, गत बाधो है ना उसी वह क्या करे, गतो मने विनिवारितः सताम तपस्विनाम आबाधो विघ्नो ये न असौ इति गत सदा बाधः। देशांतर अधिपति नाम अपि राज्यां एतद अधीनत्वेन अपर प्रेषित्वात् अयम स्वतंत्र, दूसरे के द्वारा प्रेषित नहीं है, न पर प्रेषित अपर प्रेष्य, दूसरे के द्वारा प्रेषित नहीं रहे हैं कदापि, सदा ही अन्य राजाओं के अपने वश में रखते थे, उल्टा अन्य राजा लोगों को दिया करते थे, इन्हें किसी राजा को कभी कुछ देना नहीं पड़ा, ऐसे जो उनके नाते ये स्वतंत्र कहे गए हैं। जगदीश्वरस्य विद्यातीर्थ मुनेर, और जगत का गुरु ब्राह्मण होते थे, वही शिक्षा देते थे गुरुकुलों में,
जगत के ईश्वर, जगत का चुर गुरु रूपा, जो इनके ही कुल गुरु भी थे, राजा का कुल गुरु भी है, मंत्री भी है, संन्यास के कारण उसका नाम पड़ा था विद्यारण्य तीर्थ। खुद के नाम बता रहे, विद्यातीर्थ मुनेर भोग मूर्तित्वेना अयम ईश्वर। इनके भी भोग का मूर्ति होने के नाते, स्थिति का मूर्ति होने के नाते, विष्णु भगवान का अंश के रूप होने के नाते, उस राजा को भी ईश्वर कह दिया गया। यस्य सभायाम गोष्ठी रूप प्रसंगो, जिनकी सभा में हमेशा किसी न किसी विषय को लोग गोष्ठी रूप सभा लगा करता था, इसलिए प्रसंग वेदार्थ विषयत्वे न श्रुतिमान। वेदार्थ के विषयों में तत्पर होने के नाते, सुनने की इच्छुक होने के नाते, तार श्रुति वाले थे हमारे राजा। और आजकल के प्रशंसा सुनना चाहते चमचों से, और कुछ नहीं सुनना चाहते, कमी बताने वालों से तो बहुत दूरी रखते हैं ये लोग। सुनियोजित व्यवहार चलता है। यदि यम चरितम अपि, यदि यम चरितम अपि निरंतर वेदोक्त रहस्यार्थानुष्ठान रूपत्वेन श्रुति मत भवती। इतना ही नहीं, इतने चरित्र वाले होते भी यम चरितम अपि निरंतर, निरंतर ही वेदोक्त रहस्यार्थ के अनुष्ठान रूपत्वेन श्रवण करने वाले वे थे, श्रुति मत भवती। सोया श्रुति मत प्रसंग चरित, इस प्रकार से श्रुति मत प्रसंग से चरित ऐसे राजा एवं विदो भूकण्ड भूपति अंत परमेश्वर ध्याने बहि प्रजा पालने च नित्यम जागृति। इस प्रकार का भूकण्ड भूपति हमेशा भीतर से परमेश्वर का ध्यान किया करते थे, और जब भी बहिर्मुख कर बैठते हैं प्रजा पालन में लगा करते थे। ऐसे महान राजा के आम रहे हैं। यथा नीति शास्त्रोक्तेशो साम भेदादिशो अयम कुशलः, जिस प्रकार से नीति शास्त्रोक्त भाग जो है साम दाम दंड भेद आदियों में ये कुशल थे, तथा सर्वज्ञ अवतारत्वात्, ऐसे क्यों थे, वे सर्वज्ञ परमात्मा विष्णु के ही अवतार होने के कारण से। ये हो गया नीति पक्षी व्याख्या समाप्त। ग्रंथ पक्ष में धर्मशास्त्रोक्तेशु, अनेक धर्मशास्त्रों में कहा हुआ प्रमाणादि प्रसंगांतेशु, प्रमाणाध्याय से लेकर के प्रसंग अध्याय, इन 12 अध्यायों में अध्यायार्थेशु कुशलः, इन अध्यायार्थों में भी हमारे राजा कुशल थे। ग्रंथ को ले लिया, ये ग्रंथ के भी ये नहीं हो मीमांसा के ज्ञान नहीं था उनको, पहले के राजा लोग षड्दर्शन आचार्य हुआ करते थे, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो अभी जो हुए हैं उनको तो छोड़ो, इसे पहले वाले को भी छोड़ो, उससे पहले वाले नरसिंह दत्त वडेर था ना मैसूर का राजा, उससे पहले वाले क्या था नाम था याद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा राजा था, इतने बड़े संस्कृत के विद्वान थे, कई स्तोत्र लिख डाले, कई ग्रंथ भी टीका लिखे हुए, उद्भट विद्वान थे। पहले के जो राजा लोग पूरे संस्कृतज्ञ थे, विद्वान थे, अतः शास्त्रानुसार है ना स्वयं चलते थे और राज्य का संचालन करते थे। अतः विश्व में यह सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत दिव्य था। अब भीख मांगने में लगे हुए चारों विश्व भरस्तर से कर्जा ले करके जी रहे बेचारे, ये स्थिति हो गई। खैर काल चक्र है, ऊपर नीचे होना ही है, एक समय वैसे था एक समय ऐसा देख रहे हैं, फिर अच्छा समय आएगा फिर बुरा समय आएगा, ये चक्र चलते रहेगा। धर्मशास्त्रोक्तेषु प्रमाणादि प्रसंगांतेषु अध्यायार्थेषु कुशलः, तेज अध्यायार्थः, ये अध्यायार्थ क्या क्या पदार्थ थे इस श्लोक में संक्षेप में कहा हुआ है, लेकिन आगे उपरिष्टात् प्रदर्शयिष्यन्ते, आगे विस्तारपूर्ण हम कहने वाले हैं। इस प्रकार से दूसरे श्लोक की व्याख्या उन्होंने लिखी। अब आइए तीसरे श्लोक की व्याख्या, हम लोग पढ़ चुके श्लोकों को व्याख्या में जाइए। राज्य सर्वज्ञत्वं स्वपत्तिकं प्रकट, राज्य राजा जो है सर्वज्ञ था, और वह सर्वज्ञता उसके अंदर जो थी वह स्वपत्तिक है, सामान्य नहीं है,
उपपत्ति से संपन्न है, सगरी युक्तियों से सिद्ध है ये बात। इस बात को प्रकट करने के लिए अगले श्लोक में आरंभ करते यद ब्रह्म प्रतिपाद्यत इत्यादि न सर्वासु परिषत्सु प्रतिमान यत परम ब्रह्म तदेव शैवागमेशु। सकल उपनिषदों में प्रतिमान जो परब्रह्म परमात्मा है सदैव समिति मिथ्या शब्दों से कहा गया, भूमा कहा गया, अनेक नाम से कहा गया, वही शैवागम में अनुत्तर शिव कह दिया और उसके पंच रूप माना सृष्टि स्थिति लय अनुग्रह और निग्रह, अतः पंच मूर्ति माना उसका। स्थिति उत्पत्ति के लिए, सृष्टि के लिए ब्रह्मा, स्थिति के लिए विष्णु, उसके अलग नाम से बोलते शैव अपना अलग नाम देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बोलेंगे, अपना अलग नाम दे रहे, देगा नामों को भी दे रहे हैं। सृष्टि स्थिति संहार निरोधन अनुग्रह लक्षण पंचकृत्य, अनुग्रह पांच कर्म है इनका, पांच कृति है। अच्छा पांच मूर्ति बनाया, क्या उन्हें पांच मूर्ति, इन कृत्य के सिद्ध्यर्थम ईशान नंबर एक, तत्पुरुष दो, अघोर तीन, वामदेव चार और सद्योजात लक्षणानाम पंचानाम मूर्तिनाम प्रथाम प्रसिद्धिम विस्तारम वा प्रगुणयति प्रकटीकरोति प्रतिपाद्यति इत्यर्थः। उपनिषदों में इन पांचों मूर्तियों का अनेक प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। सृष्टि के लिए ईशान है, स्थिति के लिए तत्पुरुष है और विलय के लिए अघोर है और निरोधन करने के लिए वामदेव है और अनुग्रह करने के लिए सद्योजात कर्मेणा नाम रख दिया गया। प्रगुणयति मने प्रकटीकरोति प्रतिपाद्यति। तत्रतासु मूर्तिषु उन मूर्तियों में से कौन सा मूर्ति हमारे राजा पंचमूर्ति में से पालन करने वाला, स्थिति मूर्ति श्लोक में इसलिए कहा था स्थिति मूर्ति, तासु मूर्ति स्वयं भूपाल स्थिति मूर्तिम धत्ते। स्थिति मूर्ति मने तत्पुरुष नाम से शैव दर्शन दृष्टिकोण से अन्य पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान है स्थिति मूर्ति, स्थिति का जगत स्थिति का परिपालन करने वाला, इस विष्णु भगवान के साक्षात अवतार मानता हूँ इस राजा को। यस्मादयम् भूपो वेदांतोक्तम परम ब्रह्म यस्माच्च आगमोक्ता महेश्वर स्थिति मूर्ति। जिसलिए यह राजा वेदांत साक्षात पर ब्रह्म ही है, भ्रमित ब्रह्म ही, वो ब्रह्म ज्ञानी थे वो। और दूसरी तरफ आगम दृष्टि विचार करोगे तो महेश्वर से स्थिति मूर्ति तत्पुरुष स्वरूप परमात्मा है ये। जिसलिए ऐसा है यस्माच्च, जिसलिए यह भी है श्री विद्या तीर्थ मुनि तदात्मनिसन्निधाय प्रकाशते। श्री विद्यातीर्थ जो मुनि है सन महात्मा है, इनके भी सन्निधि में ये प्रकाशित हो रहे हैं। तस्मात् सर्वज्ञत्वमस्य राज्य उत्कर्षेण आविद्वत् अंगना गोपालम अविवादेन प्रतिभासते। इसलिए तार्स राजा का सर्वज्ञत्व के कारण से इस राजा के जो उत्कर्ष है, विद्वानों में की चर्चा का विषय नहीं थे, स्त्रियों के विचार का विषय थे अंगना और गोपाल तक, बाल गोपाल तक, गोपाल बाल गोपाल पर्यंत सभी चर्चा करते थे। आविद्वत अंगना गोपालम अविवादेन प्रतिभासत, बिना विवाद सबके प्रशंसा के विषय थे। ऐसे राजा थे, उनके समक्ष मैंने क्या किया अब अपने बताएंगे। मैंने ग्रंथ बनाकर उनको दे दिया, देखते क्या करेंगे, पढ़ लिख करके क्या कहेंगे। अब आइए चौथे श्लोक में, इसलिए अपने आप को बता रहे मैं कैसे मंत्री था इस राजा का, उसे पुराणों के अनेक कहानियों के आधार पर दृष्टान देते हुए कह रहे हैं किसके कौन हितैषी रहा है वो गिनारे। देखिए इंद्रस्यांगिरसो नलस्य सुमति शैभ्यस्य मेधातिथि धौम्यो धर्मसुतस्य वैण्यनृपते स्वौजा निमेर्गौतमी
प्रत्येक दृष्टिरुंधति सहचरी रामस्य पुण्यात्मनो यद्वत् तस्य विभोरभूत् कुलगुरुर् मंत्री तथा माधवः। जैसे इंद्र के कुलगुरु अंगिरस महर्षि थे, जैसे नल राजा के कुलगुरु सुमति थे, जैसे शैव महर्षि का मेधातिथि, जैसे धर्मसुत युधिष्ठिर का धौम्य महर्षि, वेण्य राजा का स्वौजा, निमि राजा का गौतमी, प्रत्येक दृष्टि रखने वाले अरुंधति का सहचर जो वशिष्ठ भगवान राम भगवान के ये गुरु थे, कुलगुरु थे। रामस्य पुण्यात्मनो, पुण्यात्मा राम का गुरु कौन थे? अरुंधति का सहचरी वशिष्ठ थे। यद्वत् जिस प्रकार से अपने इन लोगों को देखा, तद्वत् तस्य विभोर, पूर्व श्लोकों में वर्णित जो राजा थे विभु, व्यापक ईश्वर रूपेण कहा था मैंने, भूखंड महापति महाभूपति उनके प्रति मैं कुलगुरु मंत्री तथा माधव। कुलगुरु भी था और उनका मंत्री भी था। कौन? मेरा नाम माधवाचार्य। ऐसे जो मैंने राजा को प्रसन्न करने करते हुए और श्रुति स्मृति के पदार्थों को कर्मकांडियों को सम्यक बोध कराने के लिए विशाल काय मीमांसा दर्शन के अधिकरणों का सार लिख करके दे दिया। कैसे दिया वो बता रहे। सकल प्राज्ञ जीवातु सर्वशास्त्र विशारद अकरोत् जैमिनी मते न्यायमालां गरीयसी। सखलु माधव, भजम माधवाचार्य, भूखंड महाभूपति के जो मंत्री कुलगुरु थे, उन्होंने वह ऐसा वह यह जो मैं सखलु प्राज्ञ जीवातु हूँ, प्राज्ञों के प्राण के पोषक थे, मैंने बुद्धिमान बड़े बड़े बुद्धिमान के पास सलाह लेने आते होंगे प्राज्ञ लोग, उनके जीव मैंने जीव प्राण धारण है, प्राज्ञों के भी प्राण पोषक रूपेण में रहा। ऐसा जो मैं सर्वशास्त्र विशारद अकरोत् किया, क्या किया? एक महान ग्रंथ गरियसीम जैमिनी मत न्यायमाला, जैमिनी मत के न्यायमाला नामक ग्रंथ श्रेष्ठ ग्रंथ का निर्माण कर दिया। ताम प्रशस्य सभा मध्य वीर श्री बुक्क भूपति कुरु विस्तरमस्यास्त्वम् इति माधव माधिशत। ताम वो ग्रंथ को मैंने उनको दिया, वो पढ़ करके इतने प्रसन्न हो गए कि सभा के मध्य में प्रशस्य मेरे उस ग्रंथ की ताम न्यायमालाम प्रशस्य प्रशंसा करके वीर श्री भूखंड भूपति ने क्या कहा? कहा ये श्लोक आपने बना दिया, मैं तो विद्वान हूँ समझ तो गया, लेकिन मंद मध्यम बुद्धि वाले कैसे समझेंगे? इसलिए आप क्या करें, विस्तरम अस्यास्त्वम कुरु, ऐसा विस्तर नामक टीका इस माला नामक ग्रंथ का आप कीजिए, ऐसे माधवाचार्य को उन्होंने आदेश दे दिया। आदिश इन तीन श्लोकों के पहले टीका देख लीजिए, ज्यादा विस्तार नहीं है, संक्षेप में बोल रहे हैं। उक्त गुणोपेतस्य राज्य मंत्रिणां नाना पुराण प्रसिद्ध दृष्टान्ते हितकारितया प्रशंसति। उक्त गुणोपेत वह राजा अपने मंत्री का नाना पुराण प्रसिद्ध दृष्टांतों के द्वारा हितकारितया प्रशंसति, हितकारी के रूपेण प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। इंद्रस्यांगिरस इत्यादि जैसे वे सब थे वैसे माधव भी थे। चिकित्सित ग्रंथे श्रद्धातिशयम उत्पादित कर्तृगौरव प्रकटित। चिकित्सित ग्रंथ में आप श्रोताओं के अंदर श्रद्धातिशय की उत्पत्ति उत्पादन करने के लिए कर्ता के विद्यमान जो है प्रभुत्व गुरुत्व गौरवत्व उसको संपादन करने के लिए 4, 5, 6, 7, 8 ये चारों श्लोक वर्णन किया गया।
जिसमें से 5 और 6 आपने पढ़ा है अभी। 7-8 में क्या है देखिए श्लोकों को, जिस पर कोई टीका विस्तार नहीं लिख रहे हैं। स भव्याद् भारती तीर्थ यतीन्द्र चतुरानन्नात् कृपाम अव्याहताम लब्ध्वा परार्ध्य प्रतिभो अभव। माधवाचार्य ऐसे महान प्रतिभा वाले कैसे हो गए, क्योंकि उन्होंने स भव्याद् भारती तीर्थ यतीन्द्र चतुरानन्नात्। भारती तीर्थ नाम के यतीन्द्र जो कि चतुरानंद मान ब्रह्मा के तुल्य महान विद्वान थे, उनकी कृपा पात्र थे ये माधवाचार्य। कृपाम अव्याहताम लब्ध्वा अव्याहत कृपा को प्राप्त करके पारार्ध्य प्रतिभाव अनंत प्रतिभा को मैंने प्राप्त किया है। निर्मायम माधवाचार्यो विद्वत्तानंददायिनी जीमिनी अन्यायमालाम व्याचष्ठे बाल बुद्धये। इस प्रकार से माधवाचार्य नाम का विद्वत् आनंददायिनी जीवनी न्यायमाला ग्रंथ के टीका व्याचष्ठ विस्तर नामक टीका बाल बुद्धि बालकों को व्युत्पत्ति होवे ये तदर्थ निर्माय पूर्वान्वय होगा अभवदिति। निर्माय राजा के हाथ में दे दिए। यहाँ तक श्लोक की कोई और टीका अतिरिक्त नहीं है, इतना ही का चिकित्सा ग्रंथ है। श्रद्धा से उत्पन्न करने के लिए कर्तृत्व गौरव को प्रकट करने हेतु 5 से 8 श्लोक तक ले लिया। जैसे टीका के मंगलाचरण है, विस्तृत टीका के मूल ग्रंथ के मंगलाचरण आगे शुरू होगा, अभी 1 नंबर से फिर शुरू करेंगे 1, 2, 3 करके। 9वां श्लोक देख लीजिए, अंतिम श्लोक। श्रुति स्मृति सदाचार पालको माधवो बुध स्मार्तम व्याख्याय सर्वार्थम द्विजार्थम श्रोत उद्यत। जैमिनी न्यायमाला में स्मार्त स्मृतियों का विचार ज़्यादा नहीं है, श्रोत वाक्यों पर ही संशय निवारण करने के लिए है, क्योंकि इससे पहले उन्हें स्मृति के ऊपर ग्रंथ लिख चुके हैं। इसे कह रहे हैं कि श्रुति स्मृति सदाचार के पालक थे कौन, माधवो बुध विद्वान जो माधवाचार्य श्रुति स्मृति सदाचार को नित्य निरंतर जीवन में पालन करते थे। अतः उन्हें मालूम था स्मृत्यर्थ में कहाँ कहाँ संशय होता है, श्रुत्यर्थ में कहाँ कहाँ संशय होता है, ये सभी जानते थे। अतएव स्मार्तम व्याख्याय सर्वार्थम सभी के भलाई के लिए उन्हें सबसे पहले स्मृति में विद्यमान संशयों के निवारण हेतु ग्रंथों का निर्माण किए। तत्पश्चात द्विजार्थम ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य जो श्रोत कर्मकांड करने वाले उनमें जो श्रुत्यर्थ जो संशय था उन्हें निवारण हेतु श्रोतम उद्यत श्रोत समाधान करने के लिए जैमिनी न्यायमाला विस्तर नाम ग्रंथ को आरंभ किए। सर्ववर्णाश्रमानुग्रहाय सकल वर्ण शूद्र भी सकल वर्ण सकल आश्रम पर अनुग्रह करने के पहले पुराण सार पराशर स्मृति व्याख्यानादिना स्मार्तो धर्म पूर्वम व्याख्यात। पराशर स्मृति की व्याख्या में नाम रख दिया था पुराण सार। पुराण सार नाम से पराशर स्मृति व्याख्या के माध्यम से स्मार्त धर्मों का पहले उन्हें व्याख्यान करके समाप्त कर चुके थे। तत्पश्चात इदानीम द्विजानाम विशेषानुग्रहाय द्विजों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए श्रोत धर्म व्याख्यानाय प्रवृत्त श्रोत धर्म व्याख्यान करने के लिए जैमिनी न्यायमाला ग्रंथ में प्रवृत्त हुए हैं।